जमाने का जिक्र है। बहुत दूर एक सर जमीन में दो बहुत अच्छे दोस्त रहा करते थे और उन दोनों के नाम के और गर्दा थे। के और गर्दा ने अपने सहन में एक एक करके गुलाब का फूल लगाया। ये गुलाब के फूल उनके साथ ही बड़े होंगे। जैसे ही गर्मियां खत्म हुई तो सर्दियों के दिन आ गए और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ हो गई। सर्दियों की रातों के दौरान के और ग्रेडा का सबसे पसंदीदा काम था दादी से कहानियां सुनना। ये ठंड और बर्फ आती कहाँ से है दादी माँ? ग्रेडा ने सवाल किया। बहुत दूर से आती है, उसकी दादी ने जवाब दिया और कहानी सुनाना शुरू हो गई। बहुत पहले एक महल हुआ करता था जहाँ पे चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी और स्नो क्वीन उस महल में अकेले रहती थी जिसको उसने अपने जादू से बनाया था। स्नो क्वीन बहुत खूबसूरत थी और शफाफ थी बर्फ की तरह, लेकिन स्नो क्वीन बहुत पत्थर दिल थी। उस बर्फ के महल में बहुत सारे पोशीदा राज और कहानियाँ छुपी हुई थी। बर्फ का शीशा उनमें से एक था। स्नो वाइट इस जादुई बर्फ के शीशे से दुनिया की तमाम चीजें देख सकती थी। और उसी वक्त क्रेडा को ऐसा लगा कि स्नो क्वीन उसे खिड़की से देख रही है। के दादी माँ, वहाँ देखें, स्नो क्वीन हमें खिड़की से देख रही है। अरे कोई बिल्ली होगी सर्दी से परेशान। दादी माँ, स्नो क्वीन सच में यहाँ आ सकती है? आने दो उसे, मैं उसे फौरन चिमनी में डाल दूंगा और वो पिघल के पानी पानी हो जाएगी। अपने बर्फ के शीशे से देखते हुए स्नो क्वीन ने वो सब सुन लिया जो के ने कहा। तो तुम मुझे चिमनी में डालोगे और पानी बनाओगे। मेरे शीशे के टुकड़ों, जाओ मेरे जादू से उस लड़के को ढूंढ के लाओ। उसकी आंखें और दिल मुझे लाके दो। उसकी नजर में बुराई भर दो और उसके दिल से प्यार को निकाल दो। ये मेरा हुक्म है। स्नो क्वीन ने अपने जादुई शीशे को हुक्म दिया। अचानक एक बर्फीला तूफान क्रेडा के घर की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। बर्फ के टुकड़े तेजी से ग्रेडा की तरफ बढ़ने लगे। ये देखने के लिए कि बाहर हो क्या रहा है, के ने खिड़की खोली और ग्रेडा फौरन से चिल्लाई, के रुको। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मेरी आंख में कुछ चला गया है। उफ, मेरा दिल, ये क्या हो रहा है? स्नो क्वीन के जादुई शीशे ने अपना काम कर दिया था। के की आंखें उन टुकड़ों से टकरा चुकी थी और के यकायक तब्दील हो गया था। क्रेडा ने पूछा कि तुम्हें क्या हो गया है, तो के चिल्ला कर बोला, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, अकेला छोड़ दो मुझे। ये एक अजीब सी बात थी क्योंकि के ने कभी भी ग्रेडा से इस तरह बात नहीं की थी। ग्रेडा समझ नहीं पा रही थी कि के ऐसा कर क्यों रहा है। के का यही बर्ताव कल सुबह तक चलता रहा। जब के अपना स्ले गार्डन से निकाल रहा था, ग्रेडा ने उससे पूछा कि कहाँ जा रहे हो। के ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और वो अपने स्ले पर बैठकर वहाँ से चला गया। ग्रेडा उसके पीछे भागी लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई। अचानक से के सामने ना जाने कहाँ से स्नो क्वीन आ गई और के उसका पीछा करने लगा। ग्रेडा आखिर कुछ नहीं कर पाई क्योंकि वो दोनों गायब हो चुके थे। स्नो क्वीन के को अपने बर्फ के महल में लेके जा रही थी। ग्रेडा ने खिड़की में खड़े खड़े दिन गुजार दिए के का इंतजार करते करते। बहुत सारे दिन और महीने गुजर गए, यहाँ तक के सर्दियाँ भी खत्म हो गईं, पर फिर भी के का कोई नामो निशान नहीं था। ग्रेडा से इंतजार नहीं हुआ और उसने ये फैसला कर लिया कि वो अब अपने दोस्त को ढूंढ कर ही रहेगी। उसने अपनी दादी को अलविदा कहा और के को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। बहादुर ग्रेडा ने रास्ते में हर एक परिंदे से पूछा कि शायद उन्होंने के को देखा हो। आखिरकार
वो एक नदी के पास आ पहुंची। उसने इधर उधर देखा और देखा कि आसपास कोई नहीं है जिससे वो के बारे में पूछ सके। उसने नदी से भी पूछा लेकिन उसको जवाब नहीं मिला। इतने में एक कबूतर उसके पास आकर बोला, ग्रेडा ने अपना पसंदीदा नेकलेस निकाल के नदी को गिफ्ट दे दिया। अचानक से एक मौजजा हुआ और न जाने कहां से एक कश्ती सामने आ गई। ग्रेडा ने सोचा कि नदी को उसका गिफ्ट पसंद आया और नदी ने उसको बदले में गिफ्ट दिया है। ग्रेडा की कश्ती पे चढ़ते ही कश्ती खुद ब खुद चलने लग गई। कश्ती जाके एक किनारे पे रुक गई और यहाँ एक खुफिया बाग था जहाँ पे रंग बिरंगी फूल थे। ग्रेडा ने इससे पहले इतना खूबसूरत बाग कभी नहीं देखा था, मगर अभी भी कुछ कमी थी। जितने भी फूल थे उनमें खुशबू नहीं थी। बाग के दूसरी तरफ से एक औरत ग्रेडा की तरफ आ रही थी। वो इस बाग की मालकिन थी। खुशामदीद छोटी प्यारी बच्ची, उसने ग्रेडा से बड़ी खुशी खुशी मुलाकात की और अचानक से उसे महसूस हुआ कि उसके बाग के फूलों में से खुशबू आ रही है। मैं माफी चाहती हूँ कि आपकी इजाजत के बगैर अंदर आ गई, ग्रेडा ने ऐसा कहा। कोई बात नहीं बेटा, मुझे अच्छा लगा कि तुम अंदर आ गई। काफी वक्त हो गया है कि यहाँ कोई आया नहीं। मुझे बताओ कि तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो। ग्रेडा ने उस औरत को बताया कि वो अपने दोस्त के को ढूंढ रही है, लेकिन उस औरत ने कहा था कि उन्होंने ग्रेडा के अलावा सालों से यहाँ किसी को नहीं देखा। क्या वाकई, मुझे वापस सड़क की तरफ जाना चाहिए, मुझे अपने दोस्त के को ढूंढना है। फूलों की मालकिन ये नहीं चाहती थी कि ग्रेडा यहाँ से चली जाए, इसलिए उसने एक झूठ बोला। क्या तुमने के का नाम लिया? हम, मुझे सोचने दो, मैंने शायद उसे कहीं देखा है। ग्रेडा ने उस औरत को सब कुछ बताया। जैसे ही फूलों की मालकिन ने स्नो क्वीन का नाम सुना, वो बहुत परेशान हो गई। स्नो क्वीन, उसको यहाँ से दूर ही रहने दो, बर्फीली चुड़ैल, उसकी वजह से मेरे फूलों में खुशबू नहीं रही। फिर अचानक से उस औरत का दिल करा के ग्रेडा के बाल बनाए। ग्रेडा को समझ नहीं आया कि उन्होंने जिद क्यों करी। ग्रेडा को ये मालूम नहीं था कि ये कंघी एक जादुई कंघी है। उस जादुई कंघी ने ग्रेडा की सारी याददाश्त गायब कर दी, पर उसकी खुशियां नहीं। बाग की मालकिन बुरी नहीं थी, उसने ये सब अच्छे के लिए किया था। जब ग्रेडा नींद से जाग उठी, उसको कुछ भी याद नहीं था, यहाँ तक कि ये भी नहीं कि वो यहाँ आई क्यों है और आई तो आई कैसे। लेकिन जैसे ही उसने औरत के सर के ऊपर फूल देखा, उसे सब कुछ याद आने लगा। जादू भी सच्चे प्यार के बीच में कुछ नहीं कर सकता। ग्रेडा को ये याद नहीं था कि वो कितनी देर नींद में थी, लेकिन उसकी याददाश्त हल्के हल्के करके वापस आ गई। वो फौरन से नदी के पास जा पहुंची। कश्ती वहीं खड़ी थी, पर ग्रेडा को कुछ नहीं पता था कि कहाँ जाना है और क्या करना है। और उसी वक्त एक कौवा उसके आसपास घूमने लगा, जैसे वो कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। ग्रेडा उसके पीछे पीछे चलने लगी और वो पहुंचे एक बर्फ के समंदर में। बर्फ के बिल्कुल बीच में वहां पे एक बहुत पुराना समंदरी जहाज खड़ा था। उस पे कौवा जाकर बैठ गया। ग्रेडा उसका पीछा करते करते समुद्री जहाज पर चढ़ गई। तो इसके जरिए मैं स्नो क्वीन तक जा सकती हूँ? अचानक कुछ डाकू वहाँ आ गए। उनमें से एक डाकू से ग्रेडा ने बात की। तुम वहाँ जाओगी जहाँ हम जाएंगे, और हम जाएंगे कहीं भी नहीं। उसी वक्त स्नो क्वीन ये कोशिश कर रही थी कि वो के की सारी याददाश्त गायब कर दे। काफी कुछ तो के भूल चुका था, पर ग्रेडा उसकी सोच से नहीं जा रही थी। ग्रेडा, ओ ग्रेडा, बहुत जल्द तुम्हारा दिल भी ठंडा कर दूंगी, फिर तुम्हें भी कुछ याद नहीं रहेगा। जब ग्रेडा ने अपने दोस्त के बारे में उस लड़की को बताया,
तो डाकू लड़की ने ग्रेडा से कहा कि तुम अपने दोस्त को अब भूल जाओ, क्योंकि स्नो वाइट से बचना बिल्कुल नामुमकिन था। मैं नहीं भूल सकती, मुझे केक को ढूंढना है, ग्रेडा ने ऐसा कहा। डाकू लड़की को ग्रेडा की बातें बिल्कुल समझ नहीं आई और वो चाहती थी कि ग्रेडा यहाँ रहकर उसके साथ दोस्ती कर ले, लेकिन ग्रेडा को अपने दोस्त को जल्द अज जल्द ढूंढना था। मैं उसको ढूंढने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। क्योंकि उसकी कोई दोस्त नहीं थी, डाकू लड़की को ग्रेडा की ये जिद बहुत पसंद आई और ग्रेडा की मदद करना चाहिए। अगले दिन की सुबह डाकू लड़की ने ग्रेडा को एक रेंडियर लाके दिया। ये रेंडियर पूरे बर्फ के सल्तनत का सबसे तेज रेंडियर था और डाकू लड़की ग्रेडा के साथ रास्ता दिखाने जा रही थी। मुझसे वादा करो कि तुम उस चुड़ैल को नहीं छोड़ोगी और तुम हमारी शिप को भी बचाओगी। मैं वादा करती हूँ कि मैं ऐसा ही करूँगी, ग्रेडा ने ऐसा कहा। रेंडियर को चलाते हुए ग्रेडा अपनी मंजिल तक जा रही थी। उसके दिमाग में ये चल रहा था कि वो स्नो क्वीन को हराएगी कैसे। काफी लंबे सफर के बाद वो नॉर्थ पोल तक आ पहुंचे। वहां उन्हें एक बूढ़े अंकल मिले। तो आखिरकार तुमने शीशा तोड़ ही दिया। ग्रेडा को समझ नहीं आया कि उन्हें शीशे के बारे में कैसे मालूम था, पर वो जानती थी कि वो सही जगह पर आई है, इसीलिए उसने अपना शीशा निकाला और बूढ़े अंकल को दिखाया। क्या इस शीशे के जरिए मैं उसे खत्म कर सकती हूँ? ये एक जादुई शीशा है, ये सच बताता है, सब कुछ सच बताता है, अगरचे ये छुपा हुआ क्यों ना हो, चाहे कितना ही नीचे क्यों ना हो। क्योंकि सच्चे प्यार के अलावा कोई भी चीज ताकतवर नहीं होती, तो पूरी दुनिया प्यार का साथ देने लग जाती है। ग्रेडा को मालूम हुआ कि स्नो वाइट कौन थी, बूढ़े अंकल की मदद से। अगर वो स्नो क्वीन को सच बता दे तो वो उसे हरा देगी, क्योंकि असल में बहुत पहले स्नो क्वीन बहुत अच्छी लड़की थी, खुशियों से भरी। जहाँ भी वो हाथ रखती वहाँ फूल उगना शुरू हो जाते थे और उसकी आँखें सूरज से भी ज्यादा चमकती थी, और उसका नाम था लीला। लेकिन सबको ऐसा लगता था कि वो छोटी चुड़ैल है, इसीलिए ना कोई उससे बात करता ना उसके साथ खेलता, और लीला अब खुश नहीं रहती थी। वो सब चीजों और सब लोगों को ना पसंद करने लगी, और एक दिन उसने एक दुआ करी। जो भी मुझे छुएगा वो बर्फ बन जाएगा। और फिर उसने एक बर्फ का महल बनाया और उसके अंदर रहने लगी, पूरी दुनिया से दूर। ना उसके पास कोई खुशियाँ थी और ना ही कोई दोस्त। ग्रेडा आखिरकार स्नो क्वीन के महल में आ पहुँची। उसने अंदर अपने दोस्त के को देखा और देखा कि वो बर्फ से कुछ बना रहा है। तुम यहाँ हो, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। के, मैं हूँ ग्रेडा, क्या तुम्हें याद नहीं? के ने ग्रेडा की तरफ देखा पर वो उसको पहचान नहीं पाया। उसका दिल यहाँ की हर एक चीज की तरह बर्फ का बन चुका है। ग्रेडा ने स्नो वाइट की बात अनसुनी कर दी। उसे जाने दो, वो अब मेरा गुलाम है और मैं तुम्हें भी बर्फ का बना दूंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। के, I love you। के को हल्के हल्के सब कुछ याद आने लगा। ग्रेडा, हाँ मुझे याद आ गया। गुस्से से स्नो क्वीन ने अपनी छड़ी जोर से घुमाई और उससे निकली एक खतरनाक बर्फ। तभी ग्रेडा ने अपना शीशा निकाला और वो बर्फ शीशे से टकरा कर गायब हो गई। यही वो वक्त था, स्नो क्वीन ने ग्रेडा के शीशे में देखा। उसने देखा कि शीशे में स्नो क्वीन नहीं बल्कि ये चेहरा एक खूबसूरत छोटी बच्ची का था। ये चेहरा लीला का था। अचानक से एक मौजा हुआ और स्नो क्वीन दोबारा से लीला बन गई। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, अब मैं जान गई हूँ कि मैं असल में कौन हूँ। अब मैं आजाद हूँ, अलविदा। के और ग्रेडा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे।
अब से वो हमेशा साथ रहेंगे, एक साथ बड़े होंगे, उन दोनों के फूलों की तरह जो उनके सहन में लगे हुए हैं।